वेलकम टू सैटरडेज ओरिजिनल और आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसे हर कोई सबसे ज्यादा डरता है। जब से पुष्पिन भूषण लाल सिंह चाहिए तब से डेथ का कितना रोल है सोशल मीडिया पे मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि हम डेथ का उसके पुराने ओरिजिन से कंपैरिजन करें और उसका वर्सेस करें। मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको सैटरडे ओरिजिन का नहीं पता है तो हम हर सैटरडे वाले दिन मोस्टली एनिमेटेड कैरेक्टर के ओरिजिन के बारे में पता करते हैं और उनका वर्सेस करवा के देखते हैं कौन बेहतर है। इससे पहले मैंने डेथ के करीबी दुश्मन पुष्पिन भूषण की वीडियो बनाई है, तो वो देखना हो तो इस वीडियो के बाद देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी, जो हमारा डेथ है उसकी स्टोरी सिंपल है कि वो पुष्पिन भूषण पर बड़ी देर से नजर रख रहा है और वो ये देख रहा है कि पुष्पिन भूषण ने अपनी किसी भी जिंदगी की कदर नहीं की, तो अब उसकी आखिरी जिंदगी भी उसे छीनना चाहता है। इसकी स्टोरी सिंपल है। अब बात करते हैं दूसरे डिपिक्शंस की। मैंने दो डिपिक्शंस चुने हैं जो कि ज्यादा मशहूर हैं, क्योंकि अगर हम सारे पकड़ के बैठेंगे तो हमें 20-30 मिनट लगेंगे। हम सबसे दो की बात करेंगे, सिर्फ ग्रिम रीपर की और एनोबिस की। सबसे पहले ग्रिम रीपर। ग्रिम रीपर जितनी भी आप मूवीज देखते हैं उनमें 90% अगर डेथ का कोई भी डिपिक्शन होता है तो ग्रिम रीपर ही होता है। ग्रिम रीपर की स्टोरी ये है कि 14th सेंचुरी के अंदर जब यूरोप में प्लेग आया था जिसकी वजह से उनकी 1/3 पॉपुलेशन मारी गई थी, उसको ब्लैक डेथ का नाम दिया जाता है और वहां से ग्रिम रीपर का जो करेक्टर था वो अपीयर होना शुरू हुआ। ग्रिम रीपर की सबसे पहले मूवी थी द 7th सीन, उसको वहां पर दिखाया गया था जिसके अंदर वो एक नाइट के साथ चेस की गेम खेलता है और अगर नाइट हार गया तो उसको अपनी जान देनी होगी। अब बात करते हैं एनुबिस के बारे में। जो एनुबिस है वो इजिप्शियन गॉड ऑफ डेथ है, जो लोगों के दिल को फेदर ऑफ ट्रुथ के आगे तोलता है और उनके आफ्टर लाइफ को देखता है। इसको भी काफी मूवीज के अंदर शो किया गया है। इसको सबसे पहले द मम्मी रिटर्न मूवी में दिखाया गया था और इसके बाद दिखाया गया था द गॉड ऑफ इजिप्ट मूवी के अंदर। इन दोनों के इधर एनुबिस को दिखाया गया है। इसके अलावा इसको इतना दिखाया तो नहीं गया है लेकिन फिर भी लोगों के आगे ये फेमस है। अब बात करते हैं इनके अपीयरेंसेस के बारे में। जो हमारा डेथ है उसकी अपीयरेंस तो दोनों का मिक्सचर लगती है, ग्रिम रीपर का और एनुबिस का। डेथ एक रोब पहनता है, उसके हाथ में दो साइथ जैसी तलवारें सी होती है और वो एक वुल्फ है जिसके कलर पर्पल ब्लू है और उसकी आंखें रेड कलर की। अब बात करते हैं एनुबिस की। एनुबिस एक जैकल फेस होता है या डॉग फेस होता है जिसकी बॉडी ह्यूमन लाइक होती है और उसके हाथ में भी कोई तलवार होती है, अक्सर नहीं भी होती है, और उसके पास उसने बड़े सोने के लिबास पहने होते हैं। उसकी जो स्किन होती है वो ब्लैक होती है, डार्क पेल कलर की होती है। अब बात करते हैं ग्रिम रीपर के बारे में। ग्रिम रीपर एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है जिसने एक रोप पहनी होती है और उसके हाथ में एक साइथ होती है। जो ग्रिम रीपर है उसकी तो मीनिंग्स भी है। वो रोप इसलिए पहनता है क्योंकि तब के जमाने में जितने भी रिलीजियन फिगर्स होते थे वो एक रोप पहनते थे। उसका स्केलेटन फिगर शो करता है कि हम मरने के बाद जब हमारी बॉडी डीके होती है तो फिर हमारी हड्डियां रह जाती है सिर्फ, तो हमारी वो आफ्टर लाइफ को शो करता है। और जो उसके हाथ में एक साइथ है वो तब के जमाने में क्रॉप्स को काटने में यूज होती थी, तो वो शो करता है कि वो इससे हमारी रूहों को हार्वेस्ट करता है या रूहों को काटता है, तो इसलिए उसको हार्वेस्टर ऑफ सोल्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी फीट के बारे में। हमारे डेथ के कोई इतने फीट तो नहीं है, ये बताया कि वो बड़ी देर से देख रहा है को, उसके हर जगह पहुंच जाता है, फौरन हर जगह कहीं भी पहुंच जाता है किसी वक्त भी। जब उसे किसी को डराना हो उसकी वो सीटी मारता है, आइकॉनिक सीटी, और उसके अलावा उसकी उसको बड़ी ज्यादा अच्छा कॉम्बैट भी आता है। और उसने एक दफा बताया था कि वो किसी से भी हारा नहीं है, लेकिन यार एंड पुष्पिन भूषण तो हारा तो नहीं है कि सब का, लेकिन फिर भी पुष्पिन भूषण ने डेथ को टक्कर दी थी। अब बात करते हैं अनुबिस के बारे में। अनुबिस को कोई इतने ज्यादा फीट्स तो नहीं दिखाए। द मम्मी रिटर्न के अंदर दिखाया गया था कि उसने अपनी एक आर्मी बना ली थी पूरी इतने सारे अनुबिस की, तो ज्यादातर दिखाया जाता है कि जो अनुबिस है वो कब्जा करना चाहता है पूरी दुनिया पे या फिर पूरे इजिप्ट पे। उसकी स्टोरी कितनी है। अब बात करते हैं ग्रिम रीपर की। ग्रिम रीपर को बहुत ज्यादा मूवीज में दिखाया गया। इसको तो सबसे पहले हमारे बचपन के शो बिल्ली एंड मैंडी में भी दिखाया गया था, जिसके अंदर वो बच्चों से गेम खेल के बच्चों से हार के उनका गुलाम बन जाता है। ज्यादातर वो गेम खेलता है, ज्यादातर जितने भी दफा दिखाया गया ना वो लोगों के साथ गेम ही खेलता है ग्रिम रीपर। उसको सबसे पहले मूवी में दिखाया गया था द 7th सील मूवी के अंदर, उसके अंदर भी वो नाइट के साथ चेस की गेम खेलता है, हारने वाले को अपनी सोल देनी होती है। उसके बाद इसकी एक और मूवी मिसाल है बिल एंड टेड बोगस जर्नी, उसके अंदर भी वो उनके साथ बड़ी ज्यादा गेम्स खेलते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ग्रिम रीपर का जो पर्सोना है वो एक गेम खेलने वाला जैसा बन गया है कि जो उसे गेम में हारेगा उसको अपनी सोल का सौदा करना पड़ेगा। और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो जिसके अंदर आप मुझे आइडियाज दे सकते हो और वहाँ पे हम एक फैमिली की तरह अपने ग्रुप बना लेंगे। अब बात करते हैं वर्सेस की। हमारे डेथ और अनुबिस की बात करें क्योंकि ग्रिम रीपर उससे मिलता जुलता नहीं है, तो अनुबिस और डेथ थोड़े ज्यादा अपीयरेंस में मिलते जुलते हैं, तो मैं उन दोनों का वर्सेस की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी ग्रिम रीपर को थोड़ा ज्यादा ही गेम्स के साथ कर दिया गया है तो इसलिए मैं उसको नहीं अनुबिस को ले रहा हूँ। अनुबिस वर्सेस डेथ ये मुकाबला तो काफी मजेदार होगा अगर कभी भी हुआ, लेकिन जो डेथ की फील्ड्स हैं वो भी काफी ज्यादा है। वो कभी भी देख रहा होता है लोगों को, उसको इतना अच्छा कॉम्बैक्ट आता है, वो आग के अंदर से गुजर जाता है, वो कहीं भी किसी भी वक्त पहुंच जाता है, उसके फील्ड्स तो खतरनाक है। लेकिन उसी मुकाबले में जो अनुबिस है वो अपनी पूरी आर्मी और फौजों बना लेता है, तो मेरे मुताबिक अगर इनकी कभी लड़ाई होती है तो शायद अनुबिस जीत जाए या शायद डेथ जीत जाए, दोनों का पड़ला कहीं भी भारी पड़ सकता है, लेकिन मेरे ओपिनियन में अनुबिस जीत जाएगा विनर। लेकिन ये कोई सामने वाली बात नहीं है, अगर आपने कमेंट्स में कह दिया कि वो जीता है तो फिर मैं लिख भी दूंगा वो जीत गया। इतना गुस्सा ना करना मेरे पे।